सो अभी टाइम हो रहा है 10:10 और मैं जिम से आ गई हूँ। अभी चल रहा है ब्रेकफास्ट का तैयारी और हो रहा है बिस्कुट चिल्ला। मेरा चाय और बिस्कुट चिल्ला ऑलरेडी हो गया है डन और दो एक्स्ट्रा कर रही हूँ बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए कर रही हूँ। सो फिर वही घर का काम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा और आज घर में मतलब थोड़ा स्प्रे करने वाले हैं, वो कॉकरोच वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसका कुछ स्प्रे करना है, तो उसको बुलाए हैं वो बंदा को, वो आएगा 12-12:30 बजे तक आएगा। तो मुझे तब तक कुकिंग भी करना है। लंच लंच में आज रोटी होगा, नो राइस। राइस थोड़ा कल का है तो बेटी का हो जाएगा, थोड़ा रायता बनानी है और हमारा रोटी एंड करी, चना डाल दे के जो लौकी का करी होता है अच्छा लगता है। सो ये सब चलेगा। फिर 12-12:30 बजे वो आएगा। फिर किचन वगैरह तो मैं कल सब सामान लेके उधर रखी हूँ, वो ओडिया ब्लॉग में शेयर की हूँ, सो अभी थोड़ा दिखा दूँगी। और फिर वो आएगा, फिर स्प्रे करेगा क्योंकि बहुत कॉकरोच बढ़ गए हैं, छोटा से लेके बड़ा मतलब बहुत हो गए। हम लोग वैसे भी करते हैं 6 मंथ्स को वंस करते हैं, तो आज होने वाला है। तो बेसन चिल्ला इज डन, बेसन चिल्ला एंड सॉस टेक। और फ्रेंड्स स्प्रे करना है किचन अच्छे से पूरा, सो इसलिए मैंने पूरा सामान निकाल दी हूँ और थोड़ा थोड़ा कुछ है वो चलेगा। मेन मेन थिंग्स जो है भी थिंग्स होता है सब कुछ निकाल के कॉल से रखी हूँ। कॉल मैंने अपॉइंटमेंट ली थी लेकिन वो बंदा नहीं आया, तो आ जाके करेगा। अभी और थोड़ा चाय बनानी है, हस्बैंड का ऑर्डर आ गया। आजकल मुझे ब्लैक पेपर का टी मोस्ट लगने लगा है, सलेक्ट में दिन में एक बार दो बार हो जाता है मेरा मिल्क टी। अभी बनाने लगी हूँ रोटी। फ्रेंड्स लंच टाइम, आज जल्दी जल्दी फिनिश करना है और 5 मिनट्स बाकी है, 5-10 मिनट्स में वो आएगा। स्प्रे करने के लिए आगे और इसको मैंने भेज दी खेलने के लिए। चाकू चाहिए? हाँ दे। ओह माय गॉड, ओके। वो साइड में थोड़ा, हाँ पूरा स्प्रे हुआ है। और फ्रेंड्स हो गया, अच्छे से स्प्रे करके गया है, कुछ जेल भी लगाया है, बोल रहा है कि 4 मंथ्स का गारंटी दे रहा हूँ, नहीं आएंगे।
सो लेट्स सी लेट्स सी। मैं इधर बालकनी में बैठी हूँ क्योंकि घर के अंदर पूरा बहुत बहुत मेल आ रहा है, सो मैं इधर बैठी हूँ। और शायद कॉल जाके फिर सब कुछ क्लीन करके फिर ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। आज पूरा ऐसे ही रहना है, वो जेल वो स्प्रे पूरा आज दिन भर पूरा ऐसे ही छोड़ देंगे, कॉल जाके सब क्लीन करेंगे। और फ्रेंड्स अमेजन से कुछ आया है, सो लेट्स ओपन। कुछ खास नहीं है ऐसे जस्ट मुझे तो पता है क्या है। तो ये है जस्ट मेरा नेल पॉलिश रिमूवर, मेरा खत्म हो गया था एक्चुअली, तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया तो मिल गया वो। बाय वन गेट वन तो नहीं, मिनिमम दो क्वांटिटी का ऑर्डर करना था कि इनका कुछ ब्रांड है पता नहीं क्या है, 50 पैड्स है वो वाइप आउट वाला, मैं वाइप आउट ही यूज़ करती हूँ। सो ये मेरा 60 पैड्स चला जाएगा अभी 2-3 मंथ्स। 6:45 और पापा को बोल दो मैं बिरयानी मंगाने। तू कर दीजिए निपटा गया, अभी से जा रही हूँ टाइम से ना, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 4:00 और हम लोग बैठ के थोड़ा इसका होमवर्क था, बेटी का होमवर्क था वो कर रही थी और उसकी फ्रेंड आ गई, आज जल्दी थोड़ा आ गई है, 4:00 को आ गई थी उसकी फ्रेंड और उसको बुलाने, फिर वो जा रही है अभी खेलने। तो मैं वो ही बोल रही थी थोड़ा जल्दी आ जाना, 4:00 जा रही है, जनरली 5-7 जाती है, तो आज 4:00 जा रही है तो जल्दी आ जाना, वो ही बोल रही डोर ओपन करके। और फ्रेंड्स डिनर का तो पता नहीं, शायद नहीं बना पाऊंगी, वो सब क्लीन नहीं हुआ है ना, वो जो स्प्रे हुआ है पेस्ट कंट्रोल हुआ है, शायद हम लोग रात का डिनर ऑर्डर करेंगे। और डिनर में क्या ऑर्डर करेंगे, वही बिरयानी होता है हम लोगों का पसंद होता है, नहीं तो रोटी सब्जी इतना अच्छा नहीं, बिरयानी सबसे अच्छा है, चिकन बिरयानी। सो लेट्स सी मैं क्या करूँगी। और अभी जस्ट घर में हूँ, टी वगैरह हो गया, थोड़ा ज़्यादा पेपर पाउडर डाल के टी आजकल मुझे बहुत पसंद हो रहे हैं, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के जिंजर से अच्छा लग रहा है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल के टी बनाना, तो वही हो गया है। मैं ब्लॉग में शेयर करती रहूँगी मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, अपडेट करूँगी, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। हाय फ्रेंड्स, सो अभी टाइम हो रहा 6:00 और मैंने बिरयानी ऑर्डर कर दी, सो वीक में वंस तो हम लोग बिरयानी खा लेते हैं शायद, ऐसा लग रहा है। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे थोड़ा इडली और डोसा वगैरह कुछ ऑर्डर कर दो, हाँ मेरा भी मन नहीं था, मेरी बेटी का भी मन नहीं था, ये बिरयानी ही पसंद है, सो फाइनली बिरयानी ऑर्डर कर दी हूँ, वो अभी आ जाएगा क्योंकि मैं जल्दी थोड़ा खा लेती हूँ ना, 7:00 बाय 7:00, सो जब आएगा तभी शेयर करूँगी। आ गया बिरयानी, लेट्स चेक। ओप्स प्लास्टिक। सो फ्रेंड्स ऐसा ही दिया है, एक कोल्ड ड्रिंक्स, ये दो बिरयानी, ये चिकन कबाब, रायता सफिशेंट दिया है, नहीं रायता दो और उसका मसाला दो, और ये कुकम्बर अनियन वगैरह होगा कोल्ड ड्रिंक्स, और एक छोटा सा डेजर्ट दिया है। सो मैं अभी ये बिरयानी को इसमें कलेक्ट करके रख लूँगी, तब शेयर करूँगी, अभी थोड़ा कलेक्ट करके रखती हूँ, ये सब अभी ओपन नहीं कर रही हूँ, और इसको थोड़ा मैं टेस्ट करके बताती हूँ चिकन कबाब। सुपर, तो फ्रेंड्स मैं मिलूँगी डिनर टाइम।
फ्रेंड्स, डिनर टाइम। मैं तो खा चुकी हूँ और इधर थोड़ा है इसका। ओके, खा लो बेटा। चिकन पीसेस थोड़ा अलग है, वो बोनलेस चिकन होता है ना, उसको फ्राई करके उसमें डाला है। ये थोड़ा डिफरेंट है। इस टाइप का हम लोग और एक ब्रांड का खाए हैं, मेघना बिरयानी। सो इसका भी सेम है, हमको फर्स्ट टाइम पता चला, क्योंकि हम लोग इसका बिरयानी कभी नहीं खाए थे, बिरयानी लाइफ जो मैंने ये वाला जो है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं ब्लॉग को एंडिंग कर रही हूँ। सी यू विथ ए न्यू ब्लॉग। टिल देन बाय बाय।